हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे बेकरी स्टाइल एगलेस हनी केक। हनी केक बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने 2 कप फुल फैट दूध लिया है। इसमें 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, इसको मिला देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। इतनी देर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। ये देखिए, 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1/2 कप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, 2 पिंच नमक डालेंगे, 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सबको छान लेंगे। अब इसको साइड पे रख देंगे और केक के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। हनी केक मैं हार्ट शेप के मोल्ड में बनाऊंगी। अगर आपके पास हार्ट शेप का मोल्ड नहीं है, ये मैं क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं इसके लिए हार्ट शेप में बना रही हूँ। इसको आप किसी भी शेप के मोल्ड में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्ट शेप का बनाना चाहते हैं और आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी मैं बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, आपके पास जो भी शेप का मोल्ड है, एल्युमिनियम फॉइल को 2-3 बार लपेट लीजिए और ये देखिए इस तरह से उसको हार्ट की शेप देके जितना बड़ा आपको बनाना है उस तरह से उतनी बड़ी शेप बना लें और इस तरीके से मोल्ड में रख के केक के बैटर को इसके अंदर डालेंगे तो हार्ट शेप का ही बनेगा। केक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, बटर पेपर लगा लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे और जो हमने दूध कर्डल होने के लिए रखा था उसको चेक करेंगे। ये देखिए, दूध कर्डल हो गया है। अब इसमें बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1/2 कप इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ये ऑयल कोई भी खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, जैसे ऑलिव ऑयल, सरसों का या मूंगफली का तेल नहीं लेना है। 1/4 कप मेल्टेड बटर डालेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। मेरा केक मोल्ड बड़ा है इसलिए मैं केक ज़्यादा अमाउंट का बना रही हूँ। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो सारी क्वांटिटी को 1/2 करके ले सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इसको बहुत कस के नहीं मिलाना है, हल्के हाथ से ही इसको मिलाएंगे। बैटर अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको मोल्ड में पोर करेंगे। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ये रिबन की तरह से फॉल हो रहा है। दो तीन बार इसको टैप कर देंगे। अब हनी केक को 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए, केक बेक हो गया है, बहुत ही अच्छा केक बना है। अब ये कोई भी टूथपिक या स्क्यूअर ले लें, इसको सेंटर से चेक करेंगे। ये देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, तो इसका मतलब केक हमारा अच्छी तरह बेक हो गया है। अब इसको ढक के बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में केक के लिए हनी सिरप और जैम की फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। पहले हनी सिरप बनाएंगे। हनी सिरप बनाने के लिए कोई भी पैन ले लें। 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए,
चीनी मेल्ट हो गई है और उबाल भी आ गया पानी में। अब इसमें 1/4 कप शहद डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, गैस को बंद कर देंगे और हनी सिरप को एक बोल में निकाल देंगे। अब इसी पैन में केक के लिए जैम की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने ये 1/2 कप स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, इसकी जगह आप मिक्स फ्रूट जैम भी ले सकते हैं। गैस को ऑन कर देंगे। जैम को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। 1 टेबल स्पून इसमें शहद डाल देंगे। देखिए जैम अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और अब केक को चेक करेंगे। केक ठंडा हो गया है, अब इसको अनमोल्ड करेंगे। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी और अच्छा केक बना है। अब इसको ऊपर से थोड़ा कट करके फ्लैट कर लेंगे। अब स्क्वायर से इसमें होल कर लेंगे, जिससे जब हम इसके ऊपर हनी सिरप डालेंगे तो केक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अब इसके ऊपर धीरे धीरे हनी सिरप डालेंगे। अब ये जो हमने जैम की फ्रॉस्टिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ये डेसिकेटेड कोकोनट है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, यानी नारियल का बरूदा। ये इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमारा हनी केक बनके बिल्कुल तैयार है। अभी इसको 15-20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे सेट होने के लिए, उसके बाद इसको कट करेंगे। हनी केक सेट हो गया है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। अब इसको कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना है। लीजिए बनके तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी एगलेस हनी केक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।